तो दोस्तों फिर से बहुत दिनों बाद फ्लिपकार्ट में सेल लगा है, वो भी मोबाइल का सेल, और बहुत सारा मोबाइल जो है लिस्टिंग कर दिया गया है और सेल भी ऑलरेडी चालू हो चुका है। और यार फ्लिपकार्ट का इस सेल में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है, अब तक जो भी सेल लगा था उससे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन सा मोबाइल आपको परचेस करना चाहिए, कौन सा मोबाइल नहीं परचेस करना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप लोग जो है इस सेल का दौरान ही गलती कर देते हैं और गलत मोबाइल परचेस कर लेते हैं। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिए अगर आप बेस्ट मोबाइल और सही प्राइस रेंज पर खरीदना चाहते हैं तो। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब मस्ट करिए, बाजू में बेल का घंटा है आप देखिए अच्छे से उसको भी दबाइए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक स्पेशल अनाउंसमेंट, मैं डेली 3 कमेंट को जो है शॉर्ट आउट करता हूं, तो अगर आप नेक्स्ट वाला वीडियो में आपका कमेंट चाहते हैं तो अच्छे से अच्छे कमेंट करना। गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्लिपकार्ट का जो ये सेल लगा है इसका नाम रखा है फ्लिपकार्ट मोबाइल बोनंजा सेल, और ये सेल ऑलरेडी फ्लिपकार्ट में जो है वो चालू हो चुका है और कब तक चलेगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस सेल में आपको बहुत सारा मोबाइल देखने को मिल जाएगा, वो चाहे रेडमी का हो, चाहे शाओमी का हो, या फिर चाहे ओप्पो, वीवो, रियलमी, हर एक कंपनी का आपको मोबाइल मिल जाएगा। बट कुछ मोबाइल खरीदने लायक है, ज्यादा मोबाइल खरीदने के लायक नहीं है। और दोस्तों इस सेल में जो सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा वो आपको कार्ड में मिलेगा, मतलब किसी भी मोबाइल आप परचेस करने के दौरान कार्ड जरूर यूज करना, तब जाके आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। इससे पहले आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, बट इस सेल में 10% का डिस्काउंट नहीं है, आपको डायरेक्ट 1750 बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अगर आप 5000 का मोबाइल परचेस करते हैं फिर भी आपको 1750 का डिस्काउंट मिल जाएगा। नॉर्मली आपको जो है 500 का डिस्काउंट मिलता है क्योंकि 10% 500 होता है, तो इस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो कार्ड जो है वो HDFC का कार्ड है, मतलब HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको जो है ये डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट चाहते हैं तो HDFC का क्रेडिट कार्ड जरूर यूज करना। अब मैं आपको बता दूँ कौन सा मोबाइल परचेस करने का लायक है और कौन सा मोबाइल में आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। गाइस सबसे पहले जो है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 7 है, जो कि इंडिया पे लॉन्च हुआ था 11,000-11,500 के अंदर आपको देखने को मिल रहा था। बट इन्फिनिक्स नोट 7 इस सेल में आपको 9,999 में मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छा मोबाइल है क्योंकि आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो रियर कैमरा है, फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 5000mAh का बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है, और मीडियाटेक हीलियो G70 का प्रोसेसर है, लुक और डिज़ाइन काफ़ी बेहतर है, और मेरे हिसाब से 10,000 के अंदर ये मोबाइल आपको परचेस करना चाहिए अगर आप ये सेल में कोई मोबाइल परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन्फिनिक्स नोट 7 9,999 चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल जो है वो है मोटो की तरफ से मोटो G9, कुछ दिन पहले इंडिया पे लॉन्च हुआ है स्नैपड्रैगन 662 चिपसेट के साथ, और वही मोबाइल जो है अब इस सेल में कुछ डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है 9,999 में। मोबाइल में आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा, और 5000mAh का बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है, और मोबाइल को चेकआउट कर सकते हैं। ये था दो मोबाइल जिसका प्राइस में आपको इस सेल में कट देखने को मिल रहा है, बाकी और भी जितना सारा मोबाइल लिस्टिंग किया गया है किसी भी मोबाइल में प्राइस में कट नहीं है, आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना पड़ेगा HDFC का, तब जाके आपको 1750 का डिस्काउंट मिलेगा, बाकी किसी भी मोबाइल में प्राइस में कट नहीं है, वो चाहे रियलमी 7 हो, 7 प्रो हो, या फिर पोको M2 प्रो हो, या फिर पोको X3 हो, मतलब जितना सारा मोबाइल है सारे मोबाइल में प्राइस कट नहीं है, आपको कार्ड यूज करना पड़ेगा, वो भी HDFC का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नहीं, मतलब ATM कार्ड नहीं। तो गाइस ये था फुल डिटेल्स, तो गलती आप मत करना, किसी मोबाइल को परचेस करने मत जाना, मतलब दूसरा किसी भी मोबाइल, क्योंकि प्राइस में तो कट नहीं है, अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में मोबाइल परचेस करेंगे तो आपको एक पैसा जो है डिस्काउंट नहीं मिलेगा इस सेल में। और गाइस फ्लिपकार्ट का ये जो मोबाइल बोनंजा सेल है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और कल रात 12 बजे तक चलेगा, यानी 10 दिसंबर तक ये सेल चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ये था फुल डिटेल्स मोबाइल बोनंजा सेल के बारे में जो कि मैं आपको बताया, और अब टाइम है शॉर्ट आउट का। तो ये था 3 कमेंट जिसको मैं पिछले वीडियो से कलेक्ट किया है, और अगर आप अगले वीडियो में अपना कमेंट चाहते हैं तो अच्छा सा कमेंट करिए, और चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करिए, बाजू में बेल का घंटा उसको जरूर दबाइए। चलिए मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग और फेस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।